सुनो जी, कितने का शगुन दे रहे हो आप? देखो मैं तो 2100 से एक पैसा भी ऊपर नहीं दूंगी। इस एक ही फंक्शन का कार्ड जो आई है। वैसे मैं और मिसेस खुराना जी है तो बहुत क्लोज, बट 2100 भी काफी है। ओए होए, लड़की का ब्लाउज तो देखो, अगू पिछू सब खुला है। बड़ी आग लगी है फैशन की। मिसेस भाटिया को भी बुलाया है शादी में? वो तो किसी को बोल के राजी नहीं है। बड़ी ऊंची नाक वाली है। चलो वैसे हमें क्या, आओ तो वेलकम, जाओ तो बंदा कम। हम तो ऐसे ही सोच वाले हैं। चलो अपन को क्या है, चलो पिज्जा खा के आते हैं। अरे पैसे वैसे बहुत है इनके पास। मिसेस खुराना जी का ब्लेक का भी तो है। अब अपनी बेटी की शादी में नहीं खर्चेंगे तो कहाँ खर्चेंगे? सेठ देख रहे हो दुल्हन का, कुंदन का है असली। पैसों की कमी थोड़ी ना इन खुराना के पास। और सुने, विदाई के टाइम पे दुल्हन को है ना डायमंड का नेकलेस भी दे डाला। 2 महीने पहले फोन तो आया था मेरे को, है तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप डायमंड का नेकलेस दे दो। हाँ, तो वैसे आपको पता तो है ही ना, सब लोग सलाह मुझसे ही लेते हैं। ये देखो इन दोनों को, मेरी बेटी की शादी में भी आई थी ये दोनों। 1000 की 3 प्लेटें उठाई थी दोनों ने। वैसे देखो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पर सोचना तो चाहिए ना। अरे वो है ना शर्मा जी का लड़का, बड़ा चंगा मुंडा है, यूएस सेटल है, फैमिली भी अच्छी है और कमाता भी अच्छा है, और ज्यादा खाता पीता भी नहीं है। मैं कह रही हूँ अपनी सोनिया की बात चलाऊं क्या उससे, क्या कहते हो? खाना तो अच्छा था, स्नैक्स भी अच्छे थे, पर सर्विस अच्छी नहीं थी, और वो जलेबी वो तो हम तक आई नहीं थी, और गुलाब जामुन उसमें तो काजू भी नहीं थे। वैसे मैं कंप्लेन नहीं करती, पर डिस्कशन। मिसेस खुराना की साड़ी देख रहे हो, पूरे 14,000 की है, फिर भी कितनी डाउन क्लास सी लग रही है ना। देखो जी, बेटी की शादी है, थोड़ा हाई फाई तो बनता ही है लगना। मैंने तो देखो इनको ये बात पहले ही कह दी थी, पर क्या करे, जो है सो है, हम क्या कर सकते हैं। चलो जी एक काम करते हैं, हम ना स्प्रिंग रोल खाते हैं, चलो जी। अरे मिसेस खुराना है ना अपने बेटे को है ना लंबी वाली गाड़ी दे रही है। अरे आपने देखी नहीं वो लंबी वाली, मेन गेट पे पार्क है ताकि सब लोग देख सके। मैंने तो ठीक से देखी भी नहीं, क्या है ना हमारी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां है। देखो जी कितने ही लड़के देख लोगे आप शादी से पहले, इससे तो अच्छा आप यहीं से किसी को पसंद कर लो। बड़ी हाई फाई शादी है, कोई ना कोई तो आपको पसंद आ जाएगा। मैंने देखा स्नैक्स में हैम्बर्स, पिट्टा, फलाफल, पता नहीं क्या क्या था। बहुत हाई फाई शादी है और लाइव काउंटर अलग से। इन्ना कुछ लाइए प्लेट में, अकेली खा जाएगी, थोड़ा शेयर ही कर ले। मैं क्या कह रही थी, इस जमाने की लड़कियों को तो वो पतला रहने का फैशन है ना। बेटा मेकअप कर रहे हो, थोड़ा सा मेरी लगा दो, वो बारात आने से पहले ना मेरे को भी मेकअप कर दो थोड़ा सा। और है ना वो तुम ऐसे घुमाती हो ना बाल, मेरे भी बाल थोड़े से घुमा दे। और ये लिपस्टिक थोड़ी तूने लाइट नहीं की है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा कर देना, यहाँ से चिलकना, यहाँ से चिलका चिलका कर देना पूरा। हाँ फिर अच्छा लगेगा ना, फिर मैं अच्छी लगूंगी, पूरा ऐसे कर दे ठीक है ना। और मेरे बाल भी पूरे है ना ऐसे कर्ल कर देना। और है ना हाँ ऐसे करिए, काम कर तू इसे ऊपर जूड़ा बना दे, फिर है ना मैं उसके अंदर है ना वो गुलाब का फूल डाल दूंगी, है तू कर देगी ना। अरे आपने पहचाना बेटा मुझे? नहीं पहचाना। अरे बेटा वो कुर्सी खाली होगी, खाली होगी, खड़े खड़े कब से है ना थक गए भाई, वो कुर्सी खाली होगी, जल्दी देख क्या कोई और आके बैठ जाएगा, जल्दी देख क्या ना। यहाँ पे रख, देखो ना शर्मांटी को कैसे इतरा के चल रही है, जैसे हम तो कुछ लग ही नहीं रहे, हमारे सामने वो भी कुछ नहीं है, फालतू तो हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। वैसे क्या इतरा रही हो इतने पैसों का, हाँ हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। तू क्या बोल रही है? चुप!
जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे तो नहीं होता है।